आइए प्रकाश के दूसरे टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन को स्टार्ट करते हैं। हम अपने जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं प्रकाश से संबंधित देखते हैं जिनका उत्तर तत्काल हम लोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दुनिया में इसका उत्तर पता है। जैसे कि अगर यहाँ पर एक ग्लास स्लैब रख दिया जाए, ठीक है, और इसके नीचे जो है यहाँ पर नीले रंग की ब्लू कलर की लाइट, यहाँ पर येलो कलर की लाइन और यहाँ पर रेड कलर की लाइन अगर बना दी जाए इसके नीचे, उसी के ऊपर रख दिया जाए और यहाँ से देखा जाए तो ये ब्लू कलर की लाइन ऐसे उठी हुई महसूस होती है, येलो कलर की थोड़ा यहाँ पर और रेड कलर की यहाँ पर। सबसे ज्यादा कौन सी उठी महसूस होती है? ब्लू कलर की। सबसे कम कौन? रेड कलर की। ठीक है, एक घटना तो ये हुई। दूसरी घटना ये है कि जब आप किसी गिलास, ये गिलास है, इसमें आपने पानी भर दिया यहां तक, ठीक है, यहां तक आपने पानी भर दिया, और इसमें अगर एक पेंसिल को अगर इंसर्ट कर दीजिए तो ये पेंसिल यहां पर सीधे जाते हुए नहीं प्रतीत होती है, बल्कि क्या होता है, यहां पर पेंसिल थोड़ी सी टेढ़ी होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, सॉरी एक मिनट, पेंसिल थोड़ा सा ऐसे टेढ़ी हो जाती है, ये वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर उठा हुआ महसूस होता है, मतलब लगता है कि पेंसिल यहां पर टूट गई है। ठीक है, कोई भी चीज ले लीजिए, अगर एक ग्लास ले लीजिए, एक चम्मच अगर डाल देंगे तो जहां पर ये एंट्री पॉइंट है, पानी में जो एंट्री पॉइंट है वहां पर जो चम्मच जा रहा है वहां पर लगता है ऐसे टूट गया है, ऊपर की तरफ फूट गया है, जो डूबा वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ फूट गया है। ठीक है, दूसरी बात, अगर यहां पर अगर वही चम्मच ले लें या वही पेन ले लें या वही पेंसिल ले लें, लेकिन यहां पर लिक्विड बदल दिया जाए, लिक्विड बदल दिया जाए, लिक्विड हमने केरोसिन ऑयल ले लिया, तो केरोसिन ऑयल में उसी कोण से अगर इस चम्मच को अगर यहाँ करेंगे तो क्या ये उतना ही ऊपर मुड़ा हुआ महसूस होगा कि अलग मात्रा में मुड़ा हुआ महसूस होगा? हम देखेंगे, अगर प्रैक्टिकल करें तो हमें पता चलता है कि इस केस में ज्यादा मुड़ा हुआ महसूस होता है। ठीक है, तो ये भला क्या बात हुई कि इस पानी नाम के तरल में कम ऊपर उठा हुआ, ये टूटा है तो थोड़ा सा कम मुड़ा हुआ महसूस होता है, और इसमें केरोसिन ऑयल में जो है ज्यादा मुड़ा महसूस होता है, भला ऐसा क्यों? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है यदि हम प्रकाश के बारे में और डिटेल में अध्ययन करें। तो अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि प्रकाश के साथ एक नई घटना हो रही है और उसी घटना का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आइए हम लोग इस पर विचार करते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या है? यहां पर मान लीजिए कि यह एक तल, नीचे पानी है ऊपर हवा है, तो क्या यह तल जिसका नाम मैंने एम एम डैश डाल दिया है, एम एम डैश नाम का तल दो पारदर्शी माध्यमों को अलग करता है? हाँ बिल्कुल करता है। अब यहां पर मान लीजिए कि ये अभिलंब है, अभिलंब मतलब एक तरह का लंब ही है, या 90 अंश बनाते हुए जो है ये लाइन खींची गई है, और टार्च से अगर प्रकाश की किरण को अगर ऐसे इंसर्ट किया जाए, टार्च से प्रकाश की किरण को अगर ऐसे गिराया जाए तो क्या होगा, इस प्रकाश की किरण का क्या होगा? यह हवा से पानी में जा रही है, अभिलंबवत नहीं पड़ रही, कुछ कोण पर पड़ रही है, अभिलंब से कुछ कोण पर पड़ रही है, तो इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और इस किरण का नाम क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण। इसका क्या नाम है? अभिलंब। और जिस बिंदु पर आकर के पड़ रही है उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, तो जब आपतन बिंदु पर ही आपतित किरण अगर पड़ रही है तो क्या होगा? अब यहां पर हमारा हवा है, यहां पर है पानी, तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रही है, तो यहां पर देखा जाता है कि यह अभिलंब की तरफ मुड़ गई,
यह प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ मुड़ गई। ठीक है, तो इसी घटना का नाम है अपवर्तन। जाना चाहिए था उसको, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं, लेकिन पढ़ाते समय सरलता के लिए कुछ चीजों को छोड़ दिया जाता है। जैसे यह बोलना चाहिए प्रकाश की किरण किसी माध्यम में, किसी एक माध्यम में सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जब माध्यम बदलेगा तो यह नियम बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब हवा से पानी में जा रही है तो ये क्या है, अभिलंब की तरफ झुक जा रही है। ठीक है, और अगर पानी से हवा में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश के साथ होने वाली इसी घटना का नाम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो दोनों माध्यमों के उभयनिष्ठ तल पर अभिलंबवत न गिरने पर या तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं या अभिलंब से दूर हट जाती हैं। प्रकाश की इसी घटना का नाम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या अपवर्तन की क्रिया, प्रकाश के साथ अपवर्तन की क्रिया हो रही है तो प्रकाश का अपवर्तन किसी नियम का पालन करता है कि नहीं? तो उत्तर है हाँ, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश का अपवर्तन जो है वो दो नियमों से बंधा हुआ होता है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभिलंब और यह इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण, अपवर्तित अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, अब प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है, क्या कहता है, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, पर अभिलंब और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण सभी एक तल में, सभी एक तल में, तल में होते हैं, में होते हैं, सभी एक तल में होते हैं, है? आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। देखिए, आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में बोर्ड में है। ठीक है, दूसरा आपतन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, अपवर्तन अपवर्तन कोण की ज्या, की ज्या, ज्या मतलब साइन, साइन की क्या पढ़े है ना, हाँ, साइन का अनुपात, का अनुपात, अनुपात दिए गए, दिए गए पारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी माध्यमों के जोड़े, माध्यमों, पारदर्शी माध्यमों के जोड़े, के जोड़े और दिए गए प्रकाश के रंग के लिए, दिए गए प्रकाश, प्रकाश के रंग, रंग के लिए, के लिए, के लिए नियत होता है,
नियत होता है, नियत होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टॉर्च अगर लाइट डाल रहे हैं तो इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो आपतन कोण है, और यह अपवर्तित किरण है और यह अभिलंब है, इनके बीच के कोण को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। तो आपतित किरण को अगर इधर उधर मोड़ेंगे तो आपतन बिंदु बदलेगा, तदनुसार जो है अपवर्तन कोण भी बदलेगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, साइन आई बटा साइन आर में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, साइन आई जो आपतन कोण है उसका साइन, और जो जो आपतन कोण है उसका साइन और जो अपवर्तन कोण है उसका साइन, उसका अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यह नियत रहेगा, नियत रहेगा, नियत रहेगा। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है, दिए गए जोड़े है ना, पारदर्शी माध्यम के जोड़े के लिए और दिए हुए प्रकाश के रंग के लिए। जैसे यहां पर हवा हवा और पानी है, ठीक है, हवा और पानी है, और रंग मान लीजिए हरा है, तो उसके लिए सदैव नियत रहेगा, चाहे आपतन कोण चाहे जो ले लीजिए, अपवर्तन कोण उसके अनुसार चाहे जो बदल जाए, लेकिन साइन आई बटा साइन आर नहीं बदलेगा, वो नियत रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि हवा की जगह यहां पर पानी की जगह हम कांच ले लें, यहां पर नीचे कांच ले लें, तब क्या हो जाएगा, हवा तो ठीक था ऊपर था, लेकिन अब दूसरा पारदर्शी माध्यम क्या हो गया, बदल गया। तो जब हवा पानी है और हरा रंग है तो मान लीजिए इसका अनुपात 1.5 आ रहा है, लेकिन साइन आई बाई साइन आर 1.5 आ रहा है, लेकिन अगर हवा और कांच हो गया और हरा रंग ही है तो इसका मान बदल के 1.6 हो जाएगा, मान लीजिए, मतलब बदल जाएगा, कोई भी इसमें से दोनों माध्यमों में से कोई एक माध्यम बदल जाए या प्रकाश का रंग बदल जाए तो साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अगर दिए गया माध्यमों का जोड़ा ना बदला जाए और प्रकाश का रंग में कोई बदलाव ना किया जाए तो उस कंडीशन में साइन ऑफ आई बटा साइन ऑफ आर क्या होगा, नियत होगा। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। तो जितना पढ़ाया गया है आपसे, मैं अपेक्षा करता हूं कि इसको आप लोग किताब खोल करके पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की किताब पर ही फोकस करना है और किसी किताब को नहीं देखना है।